हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल मिर्च मसाला किचन में। तो आइए देखते हैं आज की रेसिपी। वाओ, ये है आज की हमारी रेसिपी। इसको बच्चा हो या बड़ा, कोई भी मना नहीं कर पाएगा। देख रहे हैं आप, फुल्ली ओवरलोडेड ये परांठा। और ये कोई ऐसा वैसा परांठा नहीं है, ये है हमारा चीज़ परांठा। तो आइए देखते हैं कैसे बनाते हैं इसे। हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे चीज़ परांठा। उसके लिए हमें चाहिए चीज़। ये मैंने 2 टेबल स्पून, जो हमारे खाने की चम्मच होती है वही, बस हमने मैंने 2 टेबल स्पून ली है चीज़, ये ग्रेटेड चीज़। और एक शीट जो है इस तरह से, ये भी चीज़ की है। बटर लिया है, चिली फ्लेक्स और ऑरिगेनो, इन सभी का यूज़ करेंगे आज हम अपनी रेसिपी में। और थोड़ा सा गुथा हुआ नॉर्मल आटा, जैसे हम अपनी रोटियों के लिए गूथते हैं आटे को, वही सेम। तो चलते हैं, देखते हैं कैसे बनेगा ये चीज़ परांठा। सबसे पहले हमें ये चीज़ लेना है और इसमें हमें डालना है चिली फ्लेक्स। अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप चिली फ्लेक्स यूज़ करें। उसके बाद आप डालेंगे ऑरिगेनो। और इन सभी चीज़ों को मिक्स करें। थोड़ा सा हम गुथा हुआ आटा लेंगे, जैसे नॉर्मल हम रोटी बनाते हैं सेम उतने ही साइज़ का हम ये लेंगे। और इस पे हम थोड़ा सा सूखा आटा लगाएंगे। सूखा आटा लगा के इसको हम बेलेंगे। जैसे नॉर्मल हम परांठा बनाते हैं बिल्कुल वैसे ही हम इसको बेलेंगे। रोटी हमारी बिल्कुल रेडी है। आप साथ में तवा रख दीजिए गैस पे, उसे गर्म होने के लिए। अब हम सबसे पहले लेंगे बटर और सारी तरफ इस तरह से सब जगह इसको फैला देंगे। अच्छे से इसको चारों तरफ से फैलाएं। बटर को परांठे पे लगाए अच्छे से। ये चीज़ स्टफिंग जो हमने रेडी किया है, इसको हम 1 चम्मच भर के परांठे के ऊपर रखें। और उसके ऊपर रखेंगे हम अपनी शीट। ऊपर से अब ये शीट, चीज़ शीट जो है हमारी, इसको रखें। बाकी का जो बचा हुआ है बैटर, ये जो स्टफिंग है हमारी पूरी, इसको हम रखेंगे। और अब इसको फोल्ड करेंगे। चारों तरफ से इसको अच्छे से हम फोल्ड कर देंगे और इसको दबाएं। फिर इसके ऊपर थोड़ा सा हम सूखा आटा अपना डालेंगे और इसको बेलेंगे। सूखा आटा लगाने के बाद हम इसको बेलेंगे हल्के हाथों से। बहुत ज़्यादा बेलने की ज़रूरत नहीं है, जितना आपसे इजीली हो सके, नॉर्मल साइज़ वो आप करिए।
और इसको बढ़ाते जाएं। इस तरह हमने इसको इस शेप में बेल लिया है और अब इसको हम सेकेंगे। गरम तवे पे अब हम ये अपना बेला हुआ परांठा रखेंगे। गैस को थोड़ा तेज कर दे। और दोनों तरफ से इसे सेकें। आप देख सकते हो ऊपर से फूलना स्टार्ट हो चुका है हल्का हल्का। अब इस स्टेज पे हम इसको टर्न कर देंगे। और ऊपर से हम लगाएंगे अब इसके ऊपर बटर, या आपको घी लगाना है, तेल लगाना है, वो आपकी चॉइस है। जो भी आप लगाना चाहे, दोनों तरफ से घी या तेल में आप इसको सेकें। गैस का फ्लेम धीरे कर लीजिए। हल्के हाथों से थोड़ा दबाते जाएं। पराठा सिक चुका है। आप इसको आराम से उठाएंगे और अपनी प्लेट में रखेंगे। ये देखिए कितना बढ़िया पराठा बना है। ये देखिए फ्रेंड्स, चीज़ पराठा हमारा बिल्कुल रेडी है बनके। अब इसको हम चाहे कटर की मदद से या चक्कू की मदद से इसको हम काटेंगे। इस तरह से हम इसको काटेंगे। ये देखिए कितना बढ़िया बना है। देखिए आप देख सकते हैं, जितना आपको बढ़िया देखने में लग रहा है उतना ही खाने में भी बहुत बढ़िया है। तो इसको ज़रूर बनाइएगा, बच्चों को भी बहुत पसंद आएगा और बड़ों को भी बहुत पसंद आएगा। और मुझे बताना बिल्कुल ना भूले। थैंक यू दोस्तों। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें मेरी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन जानने के लिए।